दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम इस साल T20 वर्ल्ड कप जीते तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं, अब भारत और पाकिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाले मुकाबले की घड़ी बिल्कुल नजदीक आ चुकी है, जिसकी वजह से दोनों देशों में काफी ज्यादा गर्मा गर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये गर्मा गर्मी फिर एक बार बढ़ती हुई नजर आई जब दोनों ही देशों के दिग्गज खिलाड़ी आपस में एक दूसरे से तीखे सवाल जवाब करते हुए नजर आए। इसके बाद तो माहौल इतना ज्यादा गर्म हो गया कि माहौल की गर्मी आसमान को छू रही थी। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं क्या कहा दोनों देशों दिग्गज खिलाड़ियों ने इस महा मुकाबले से पहले। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और पाकिस्तान में कौन है बेहतरीन टीम, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं, 2021 के T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा महा मुकाबला यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में खेले जाने वाला घमासान युद्ध 24 अक्टूबर को खेला जाएगा, जिसके लिए दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों के साथ साथ पूरा देश काफी ज्यादा उत्सुक नजर आ रहा है। इसी बीच इस जबरदस्त मुकाबले से पहले दोनों ही देशों के दिग्गज खिलाड़ी एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आए। दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहले भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी हरभजन सिंह ने पाकिस्तान की टीम की कड़ी आलोचना करते हुए अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान की टीम इस साल भारतीय टीम के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगी, क्योंकि भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने T20 फॉर्मेट में इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि उनके पास पाकिस्तान जैसी कमजोर टीम को हराना तो बाएं हाथ का खेल होगा। अभी हाल ही में हमारी टीम के खिलाड़ियों ने IPL में अपने शानदार प्रदर्शन का खेल दिखाया है, और जिसके बाद तो सभी खिलाड़ियों का मनोबल आसमान छू रहा है और वो पाकिस्तान जैसी टीम को बुरी तरीके से रोकने में कामयाब रहेंगे, और ये तैयारी में नजर आ रहा है टीम इंडिया की। वहीं दोस्तों इसके बाद शोएब अख्तर ने उनको जवाब देते हुए अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान की टीम ने पहले ही IPL जैसे खतरनाक T20 लीग ना खेली हो भले ही, लेकिन हमारी टीम ने इतने ज्यादा T20 मुकाबले खेले हैं जितने भारतीय टीम ने भी नहीं खेले होंगे, इसीलिए हमारी टीम की रैंकिंग T20 में काफी शानदार है। हमारी टीम के लिए इस साल T20 वर्ल्ड कप जीतना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना भारतीय टीम को हराना है, क्योंकि अब तक T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 5 बार हराया है, और ये आमने सामने की भिड़ंत में अब पाकिस्तान भी इसका बदला लेगा, जिसमें 5 बार भले ही हमारी टीम को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा हो, इसलिए अब पाकिस्तान का हर एक खिलाड़ी पूरी तरीके से टीम इंडिया से बदला लेने के लिए तैयार नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों पाकिस्तान के एक और नामचीन खिलाड़ी मोहम्मद आमिर ने भी भारतीय टीम को लेकर एक बार फिर से जहर उगला है। उन्होंने अपने बयान में साफ तौर पर भारतीय टीम को चेतावनी दे डाली है। दोस्तों आपको बता दें कि मोहम्मद आमिर ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान की टीम भले ही 5 बार भारतीय टीम से हारी हो, लेकिन दोस्तों हमारी टीम के खिलाड़ियों में क्षमता है भारतीय टीम को धूल चटाने की, क्योंकि आखिरी T20 वर्ल्ड कप जो खेला गया था वो 2016 में खेला गया था, जिसमें हमारी टीम ने बेहद ही शानदार खेल का प्रदर्शन करके दिखाया था, लेकिन हमें भारतीय टीम के सामने करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। लेकिन उसके बाद इन 5 सालों में हमारी टीम ने इतनी जबरदस्त तरक्की करी है कि हमारी टीम T20 फॉर्मेट की सबसे खतरनाक टीमों में से एक है, और वो भारतीय टीम को धूल चटाने के लिए पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। इसके बाद दोस्तों सुरेश रैना ने इस खिलाड़ी को करारा जवाब देते हुए अपने बयान में कहा कि T20 फॉर्मेट एक ऐसा मुकाबला है जिसमें भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने महारत हासिल कर ली है, और क्योंकि IPL जैसे मुश्किल क्रिकेट लीग खेल खेल के हमारे खिलाड़ी पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। जो खिलाड़ी IPL जैसे खतरनाक लीग में शानदार खेल का प्रदर्शन करने की वजह से बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में हैं और उनके अंदर क्षमता वाकई में है, उनके लिए T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जैसी कमजोर टीम को हराना कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए भारतीय टीम के खिलाड़ियों को निश्चिंत होकर रहना चाहिए, बिना दबाव के खेलना चाहिए, और जब भी वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई मुकाबला खेलने के लिए मैदान पर उतरेंगे, क्योंकि भारतीय टीम में एक से बढ़कर एक ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो अपने आप में जबरदस्त प्रदर्शन करके पाकिस्तान जैसी टीम के परखच्चे उड़ाकर रख देंगे। वहीं दोस्तों इसके बाद पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर यूनुस खान ने भी एक बार फिर से भारतीय टीम के लिए अपने बयान में साफ तौर पर चुनौती दे डाली। आपको बता दें कि उन्होंने अपने बयान में कहा कि भारतीय टीम इस साल T20 वर्ल्ड कप में इतनी ज्यादा खौफ में नजर आ रही है कि उन्हें भारतीय टीम के खेमे में महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ी को लाना पड़ा। टीम मैनेजमेंट को विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे जबरदस्त खिलाड़ियों पर, बल्लेबाजों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा, इसीलिए उन्हें महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ी को इस T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में शामिल करना पड़ा बतौर मेंटोर। अब अगर भारतीय टीम महेंद्र सिंह धोनी के मार्गदर्शन में अगर खिताब अपने नाम करने में कामयाब रही तो ये भारतीय टीम के लिए काफी ज्यादा शर्मनाक बात होगी। दोस्तों इसके बाद अंत में सुनील गावस्कर ने इस मुद्दे पर अपना बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान की टीम ने भले ही पिछले 5 सालों में T20 फॉर्मेट में शानदार तरक्की करी हो, लेकिन वो अभी भी भारतीय टीम से बिल्कुल भी टक्कर लेने के लिए काबिल नहीं है, क्योंकि जिस स्तर के खिलाड़ी भारतीय टीम में शामिल हैं वैसे खिलाड़ी पाकिस्तान की टीम में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारी टीम में इस साल रोहित शर्मा, KL राहुल,
राहुल, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से पाकिस्तानी टीम के गेंदबाजों को बुरी तरीके से धोएंगे, जिसकी कल्पना तो पाकिस्तान ने सपनों में भी नहीं की होगी। दोस्तों, आप इन दिग्गजों के बयानों को सुनकर क्या कहेंगे? क्या जब भारत और पाकिस्तान की टीम एक दूसरे से भिड़ती हुई नजर आएंगी तो उनमें से कौन सी टीम किस पर हावी होगी? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।